मंगलवार को रामटेक में यूथ कांग्रेस और शहर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एडिशनल तहसीलदार मनोज वाड़े के जरिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को विभिन्न मांगों का ज्ञापन सौंपा। साथ ही जल्द से जल्द कोरोना काल में मांगे पूरी करने की मांग की। शहर में कोरोना का बढ़ता संक्रमण देखते हुए शहर कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पिछले एक माह से नगर परिषद का काम भगवान भरोसे शुरू है और एक माह में कोरोना संक्रमितों की संख्या 20 से 300 पार पहुंच चुकी है। विधायक आशीष जायसवाल और नगर परिषद के अध्यक्ष दिलीप देशमुख इस ओर नजरअंदाज कर रहे हैं। नगर परिषद में स्थायी मुख्याधिकारी नहीं रहने से नागरिकों को काफी परेशानी हो रही है। शहर में सैनिटाइजर का छिड़काव बंद हो गया है, स्वच्छता का अभाव है। स्थानीय स्वराज्य संस्था का किसी भी अधिकारी पर दबाव नहीं, सभी अपने मनमर्जी से काम कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं की मांग है कि कोरोना मरीजों को स्पेशल एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराई जाए ताकि समय पर मरीज अस्पताल पहुंचे और उसे इलाज मिले। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के नागपुर जिला अल्पसंख्यक सेल अध्यक्ष असलम शेख ने बताया कि रामटेक उपजिला अस्पताल ICU सुविधा नहीं रहने से इमरजेंसी आने पर कई मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, इसलिए अस्पताल में सुविधा उपलब्ध कराए जाने की मांग कांग्रेस के नागपुर जिला अल्पसंख्यक सेल अध्यक्ष असलम शेख, कांग्रेस के रामटेक शहर अध्यक्ष इसराइल शेख, नागपुर ग्रामीण के महासचिव बबलूदूत बर्वे, यूथ कांग्रेस के राहुल कोठेकर द्वारा ज्ञापन के जरिए की गई है। इस दौरान नागपुर ग्रामीण जिला सचिव व नगर सेवक रामटेक दामोदर धोपट, नागपुर जिला युवक कांग्रेस सचिव वसीम कुरैशी और अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। NBC न्यूज़ के लिए रामटेक से एकता गहरवार की रिपोर्ट।